साथियों नमस्कार। अभी लगातार तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि एनपीएस में सुधार किया जा रहा है और ये हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा और इसी कोशिश में सरकार लगी हुई है। ये निश्चित रूप से आपके आंदोलन एनएमओपीएस के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष एनपीएस में सुधार के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है। और सरकार से मैं पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, उनकी भावनाओं को समझें और उनके बुढ़ापे की लाठी हूबहू ओपीएस लागू करें। संशोधन एनपीएस, मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, एक डस्टबिन है और डस्टबिन में जो भी चीज़ डाला जाएगा वो कूड़ा ही होगा और हमें कूड़ा नहीं चाहिए। हमने 20 साल 25 साल 30 साल समाज की, देश की, विभाग की सेवाएं की हैं और हम लास्ट में जाएं तो किसी और भरोसे हम अपनी वो इंतज़ार करें कि हमारा कोई बुढ़ापा आके काट देगा, तो ये ठीक नहीं है। ये लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है, ये उल्टी भावना फैलाई जा रही है। हम कहते हैं इस देश में सेना के लिए पैसा नहीं तो अग्निवीर आपने ला दिया, इस देश में आप पैसा नहीं है तो आपने न्यू पेंशन व्यवस्था ला दिया। सारी कटौती ये कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए ही क्यों होती है, नौजवानों के लिए क्यों होती है? क्या इस देश में करोड़ों की रैलियाँ नहीं हो रही हैं? क्या इस देश में हजारों करोड़ों के चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश में हजारों हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हो रहा है? क्या इस देश में हजारों हजारों करोड़ माफीनामा उद्योगपतियों के नहीं हो रहे हैं? फिर कहाँ से पैसा आ जाता है? तो सवाल पैसे का नहीं, मैं बार बार कहा, नियति का सवाल है। और केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप संशोधन में ना पड़ें, आप हूबहू पेंशन लागू करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ओपीएस ही राष्ट्रहित में है, क्योंकि हमारा 10% सरकार का 14% 24% पैसा कंपनियां ले जा रही हैं और रिटर्न में क्या कर्मचारियों को मिल रहा है आज बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तमाम अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस माया जाल में न फंसिएगा। अभी जब सरकार जो बातें कर रही संशोधन में, संशोधन कुछ होगा बताया, कुछ जाएगा कुछ नहीं, एनपीएस झुंझुना है, झुंझुना ही रहेगा। जो सरकार या जो पैरोकार एनपीएस में संशोधन की बात करें, ध्यान रखना, आपका दुश्मन नंबर 1 होगा वो। वो चाहे सरकार के भाग हों और चाहे तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं जो खुद ओपीएस ले रहे हैं, वो एनपीएस की विशेषताएं पहले भी गाते थे, अभी फिर सक्रिय हो रहे हैं। चुनाव के समय किसी का पता नहीं था, चुनाव के समय वही सरकार जो ओपीएस बंद की है, वही सरकार जो कर्मचारियों के हितों का कुठाराघात कर रही है, वही सरकार जो शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रही है, उसी के साथ खड़े आए। तो तमाम उन नकाबपोशों को भी पहचानना है कि क्या चुनाव के समय वो लोग कहाँ थे, आज अचानक कहाँ से फिर प्रकट हो गए हैं। और जो खुद ओपीएस ले रहे हों, वो एनपीएस की तरफदारी कर रहे हों, इससे बेहतर है वो खुद नहीं क्यों लेते हैं, एक नज़ीर क्यों नहीं पेश करते हैं? ये बड़ा सवाल है और ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पहुंचा है। मित्रों, भ्रम नहीं होना है, एनएमओपीएस पूरे देश में कन्याकुमारी से काश्मीर तक की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम हमारे सहयोगी संगठन हैं, पूरी ताकत पूरी हिम्मत के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, हम एक दिन जंग जरूर जीतेंगे, ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप धोखे में नहीं आइएगा, आप धोखे में नहीं रहिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी तमाम तरह के विज्ञापन, अभी तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के लोग बताएंगे ये अच्छा है वो अच्छा है, जो आपको ये बताए कि अच्छा है उससे आप बड़ी विनम्रता से कहिए आप ही ले लीजिए। जब ये बात आप उनसे कहते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो न सरकार के धोखे में रहना है, न तमाम जो सरकारी और दरबारी लोग हैं जो पैरोकारी में लगे हैं उनके रहना है। मेरा निवेदन है, 1 करोड़ लोग अपनी आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को जगाइए और ओपीएस बुढ़ापे की लाठी, उसके लिए संघर्ष करिए, एनएमओपीएस का साथ दीजिए। आप गलत फहमी में रहिएगा, एनपीएस एनपीएस झुंझुना है, झुंझुना है, उसमें कुछ भी हो जाए वो आपके काम नहीं आएगी। ओपीएस अमृत है और अमृत के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, तो हम लड़ेंगे, जितना संघर्ष करना हो करेंगे, लेकिन अमृत रूपी ओपीएस लेकर ही रहेंगे और आने वाले समय में और बड़ा संघर्ष
और बड़ा आंदोलन होगा। आप NMOPS और तमाम सहयोगी संगठनों का साथ दीजिए, हम लड़ाई जीतेंगे। आप तमाम तरह के छद्म लोग आपके बीच में आएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को रैली याद है आप सबको, इस देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई NMOPS के बैनर तले चल रही है, उसी के साथ लामबंद होना है, उसी के साथ खड़े होना है, इधर उधर भटकना नहीं। तमाम लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन असली जो लड़ाई शुरू हुई NMOPS और अंजाब में पहुंचाएगा NMOPS। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।